अगर आप उर्दू के स्टूडेंट हैं और सीटेट यूपीटेट या फिर किसी भी स्टेट के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहां से आपको उर्दू के सभी स्टडी मटेरियल आसानी से दस्तयाब हो जाएंगे। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सन 2021 के लिए प्राइमरी और अपर प्राइमरी के उर्दू के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट में उर्दू से 30 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक उसी तरह वेस्ट बंगाल टेट में भी उर्दू सब्जेक्ट से 30 नंबर के सवालात होंगे। उर्दू का जो पेपर होगा वो दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। पहला जो पार्ट होगा वो कंटेंट पे बेस्ड होगा और दूसरा जो होगा वो मेथोडोलॉजी पे बेस्ड होगा। कंटेंट के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको कंप्रिहेंशन पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपको अनसीन पैसेज होगा नसर का यानी कि प्रोज का, यानी कि अनदेखा मतन आपका होगा नसर का, यानी कि आपको कोई भी नसर का एक पैसेज दे देगा और उस पैसेज से रिलेटेड कुछ सवालात होंगे, उन सवालों के जवाब आपको देना होगा। ठीक उसी तरह आपको अनसीन पैसेज पोएट्री यानी कि नज्म में भी देखने को मिलेगा और उससे भी कुछ सवालात होंगे। तो तफहीम पे मबनी इन सवालों को कर लेने के बाद आपको मुख्तलिफ शोरा मुसन्निफीन और उनकी खिदमात और सवाने निगारी और असनाफी अदब से रिलेटेड सवाल भी पूछे जाएंगे, जो कि नसर और नज्म दोनों पर मबनी होंगे। इसमें आपको शोरा के बारे में पूछ सकता है, मुसन्निफीन के बारे में पूछ सकता है, उनकी जाय पैदाइश पूछ सकता है और उनकी जो अदबी खिदमात हैं और सवाने निगारी वगैरह पूछेगा। उसके बाद आपको उर्दू ज़बान की मुबादियात, इल्म हिज्जा, हरूफ शमसी और कमरी, इल्म सर्फ, इल्म नहव, कलमा, मुस्तकिल कलमा और गैर मुस्तकिल कलमा और उनकी किस्मों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, इल्म उरूज, इल्म बयान, सेनतें और इल्म आदात से मुतालिक सवाल भी होगा, यानी कि आपको सेनतों में सनत इस्तियारा पूछ देगा, सनत लफ्ज़ नश्र पूछ देगा, सनत मुबालगा पूछ देगा, सनत हुस्न तालील पूछ देगा, सनत तलमी पूछ देगा। ठीक है, कैसे पूछेगा? आपको एक शेर दे देगा और पूछेगा कि इस शेर में कौन सी सनत है, तो आपको बताना रहेगा। ठीक है, इसके अलावा हरूफ तहज्जी, मखारिज, एराब, मुरक्कब अल्फाज, साबके और लाहके जिसको हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स कहते हैं, मुतरादफात यानी कि सिनोनिम्स, अजदाद यानी कि एंटोनिम्स, कहावतें वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ज़ुमानी अल्फाज, वाहिद जमा, मुजक्कर मुअन्नस और रमूज़ो अवकाफ यानी कि पंक्चुएशन से रिलेटेड सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो 24 नंबर के लिए आपका जो सिलेबस है वो ये है, आप इसको कहते हैं कंटेंट। अब मेथोडोलॉजी के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको उर्दू ज़बान की इब्तिदा और इर्तिका और ज़बान की जो मुख्तलिफ सूरतें हैं उसे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मादरी ज़बान की तारीफ और अहमियत से रिलेटेड सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। मादरी ज़बान पढ़ाने के मकासिद को भी आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल भी पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ज़बान की जमात वारी अव्वल ता पंजुम यानी कि 1 से 5 तक इस्तेदादी सलाहियतों का फ़रोग आपसे ये भी पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपसे लैंग्वेज स्किल यानी कि जो ज़बान की बुनियादी महारतें हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सभी आपको पूछा जाएगा और साथ ही साथ जमात वारी इस्तेदाद का फ़रोग भी होगा। ठीक है, तदरीसी ज़बान के तरीके, खेल खेल का तरीका, मॉन्टेसरी तरीका, किंडरगार्टन तरीका, मशागिल पे मबनी तरीका, कहानी का तरीका, सवाल और जवाब का तरीका, मुबाहसी तरीका, मुकालमाती तरीका, निगरानी तरीका, मनसूबी तरीका, नसर, नज़्म, गज़ल, कवायद की तदरीस के तरीके, ये सभी जो टीचिंग्स ऑफ मेथड्स हैं वो भी आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा तदरीसी व इक्तसाबी आलात यानी कि आपके TLM से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उसकी किस्में, अहमियतों, अफादियतों, इस्तेमालात से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और ज़बान की तदरीस के निसाबी
और ज़ायद निसाबी सरगर्मियाँ यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। मनसूबे बंदी यानी कि जो लेसन प्लान है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। और मुसलसल जामे जांच यानी कि CCE कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेलुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तश्कीली जांच और मजमू जांच से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे वेस्ट बंगाल टेट में पूछा जा सकता है। तो ये था वेस्ट बंगाल टेट का आपका सिलेबस। कंटेंट पे मबनी जो सवालात होंगे वो टोटल 24 नंबर के होंगे और मेथोडोलॉजी पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो 6 नंबर के होंगे, यानी कि टोटल 30 नंबर के सवाल आपको उर्दू सब्जेक्ट के लिए मिलेंगे।